प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। लॉकडाउन के 50वें दिन से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद झांसी के बॉर्डर के जो हालात हैं वो वाकई चिंता का विषय है। झांसी के यूपी और एमपी बॉर्डरों पर भारी तादाद में खड़े ये प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र गुजरात से चलकर आ रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों में महिलाएँ और बच्चे भी बड़ी संख्या में है। ये मजदूर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के रहने वाले हैं। चार घंटे से हम लोग धूप में खड़े हैं, अभी तक कोई हम लोग का व्यवस्था नहीं मिल पाया। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, हमें यूपी कुशीनगर जिले में जाना है। सर हमको खाना नहीं मिला, वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, इसके लिए हम आए हैं, पैदल चलकर आ रहे हैं वहाँ से। हम लोग मुंबई से सूरत से आए हैं और इलाहाबाद जा रहे हैं। कैसे आए वहाँ से, पैदल या गाड़ी से? गाड़ी से आए, बस से। रास्ते में कोई दिक्कत हुई आपको खाने पीने की? दिक्कत तो कुछ नहीं भाई, अब हो रहा है। अब क्या और दिक्कत आ रही है? अब नहीं मिल रहा बस। कब झांसी कब आ गए थे आप? अभी आ गए 2-3 बजे। 2-3 बजे आ गए? दिल्ली गुड़गांव से आए हैं और पन्ना जाना है, जहाँ तो मानगंज है हमको। पैदल आ रहे हो या क्या? पैदल आ रहे हैं, कुछ गड्डी मिलती है नहीं मिलती है, पैदल चलना पड़ता है, क्या करें। परिवार के साथ में हो? हाँ, सब साथ ही में। तो कितनी दिक्कत हो रही रास्ते में आपको? अरे समस्या तो इतनी हुई कि कभी जिंदगी में हुई नहीं, कभी देखा नहीं ऐसे। तो वहाँ से क्यों निकले? निकले वहाँ भी तो काम बंद है, मजदूर है, मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे, वरना राशन पानी कुछ नहीं मिलता है, किराया भाड़ा और देना पड़ता है। खाना पीना मिला आपको? रात को खाना पीना मिला तो वहाँ से पुलिस लोग ने दिलाया था बाईपास पर। देश में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। लंबा सफर तय कर ये प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए निकले हैं। सफर में इनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे मुश्किल भरे सफर में अपने परिवार के साथ निकले प्रवासी मजदूर A1 TV ने जब बात की तो कैमरे में इनका दर्द छलक उठा। हर बात दानिश A1 TV।